हाँ जी जो अनपढ़ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, बूढ़ी माताएं हैं और ऐसे ऐसे भाई भी हैं जो कोर्स तो करते हैं परंतु उनको ज्ञान की कोई भी बातें याद नहीं रहती। ऐसे लोग भी क्लास अटेंड करने के लिए परमिशन मांगते हैं, भर्ती करने के लिए परमिशन मांगते हैं, तो उनको परमिशन देनी है या नहीं देनी है? भले ज्ञान की कोई बात याद नहीं रहती है परंतु ये देखना है कि उनकी बुद्धि में भगवान बाप आया हुआ है ये निश्चय बैठ गया है। अगर ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि हैं और बाप से मिलने की ललक है और दूसरों को भी ये बात बताते हैं, संदेश देते हैं कि भगवान आया हुआ है, बल ज्ञान नहीं सुनाई पाते। तो भी ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, वयोवृद्ध भाइयों को, अनपढ़ गांवड़े के लोगों को क्लास में आने की भी परमिशन देनी है। और उनकी धारणा अच्छी है, बल ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है जो दूसरों को सुना सके, तो उनकी भट्टी भी करानी है। क्योंकि बाबा ने बोला है कि बाप को याद करते करते अंत में सारी धारणाएं पक्की हो जाएंगी। ज्ञान का सार बुद्धि में बैठ जाएगा। याद करते करते उनकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। भले दूसरों को नहीं सुना सकते हैं तो भी स्वर्ग में तो आ जावेंगे। तो ऐसी आत्माओं को वंचित नहीं करना है। और बाबा है सत्यग में चावल भी रहता है, सब कुछ रहता है, ऐसा 68 की मूली में कहा है। तो देवताओं का आहार सिर्फ फल ही बोलता है। हाँ, फिर ये चावल सभी तो रहता है। चावल धान के रूप में होगा या सीधा चावल होगा? ये धान के रूप में होगा। मतलब सिर्फ अगर धान होगा तो धान को कूटेगा कौन? या मशीनें कारखाने लगाए जाएंगे? हैं? नहीं, मशीनें कारखाने तो नहीं होंगे, कूट
लूटने की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चावल का बेहद का अर्थ बताया कि जो भी आत्माएं होंगी वो चावल के रूप में होंगी, जिनका देह अभिमान का छिलका उतरा हुआ होगा। वहां धान्य को पकाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती है, सिर्फ फली का लेना। हाँ जी, मेहनत। और बाबा, एक बार बाबा को पौधा में दे दिया तो फिर बार बार देना है? एक बार पोता मेल दे दिया, परंतु पोता मेल देने के बाद सुधारने का प्रयास कुछ भी नहीं किया। और फिर दोबारा पोता मेल लिख करके दे दिया, तीसरी बार दे दिया, और फिर बार बार देते रहे। तो ऐसे पोता मिल देने वालों का आधा माफ नहीं हो सकता। माफ होने की परसेंटेज एक के बाद एक घटती जाएगी। सौ गुना बोझ तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन आधा पचास गुना तो चढ़ेगा। हाँ, इतना माना जाएगा। कि बच्चा सच्चार है, सच्चे दिल पर साहब राजी। आज नहीं तो कल, उम्मीद है सुधरने की। और एक दो बार देने के बाद सुधार हो तो? सुधार होता है तो अच्छी बात है ना, पता में देने की जरूरत नहीं। पूरा सुधार हो जाता है क्या? पूरा सुधार नहीं, चार्ज तो देते रहते हैं। जम दे जाम दे तो नहीं हो जाता कोई? टाइम लगता है पुरुषार्थ करने में। नहीं तो चार्ज तो देते रहते हैं ना, फिर भी पोता मिल जाना। सुधार होता है तो भी चार्ज देना अच्छा है। वही, और चार्ट और पोता मिल में क्या फर्क है? चार्ट रोज लिखा जाता है, चार्ट का पूरा प्रोफार्मा बना हुआ होता है। वो जो रोज रात को सोते समय पांच मिनट दो मिनट देकर लिख लेना चाहिए। और उसे खुद ही चेक करना चाहिए कितना सुधार हुआ, कितना सुधार हुआ। चार्ट लिखना भी अच्छा है, परंतु उस चार्ट में जो खास खास बातें, खास खास भूलें बार बार याद आती हैं, दिल को खाती हैं, उनका पोता मेल लिख करके देना चाहिए। चार्ट के साथ ही? नहीं, चार्ट देने की जरूरत नहीं है। चार्ट लिखना है और खुद देखना है, चेकिंग करनी है और चेंज करना है। वो चेकिंग करके पोता मेल लिखना है? हाँ जी।
शंकर को हमेशा याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। इसका मतलब उनका पुरुषार्थ ही जीवन हो गया। नहीं तो संपन्न स्टेज बन जाए तो फिर याद करने की क्या दरकार है। तो याद के रूप में उनकी पूजा होती है। नहीं तो पूजा पवित्रता की होनी चाहिए। इस दुनिया का विनाश होगा तो शंकर की आत्मा को पहले जाना होगा या बाद में जाना होगा। बाद में क्यों? जब याद ज्यादा करता है तो पहले ही उड़ जाना चाहिए। सारी दुनिया को ले जाने के लिए उनको अंतिम टाइम में ही जाना पड़ता है, क्योंकि 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं अंतिम आत्मा तक भी उनकी ड्यूटी है। साथ ले जाने की और निराकारी स्टेज में ही साथ ले जाने की ड्यूटी है। अंतिम विनाश होगा तो पतित से पतित आत्माओं की संख्या बढ़ी हुई होगी या घटी हुई होगी? है जो आत्माएं एक जन्म ही लेती हैं और वापस चली जाती है। 200 करोड़ जो भी कीड़े मकोड़े मक्सल जिनकी मनुष्य आत्माओं में गिनती नहीं है, ऐसी पतित आत्माएं उनको भी साथ लेकर के जाना है। इसके लिए कोई निमित्त है या नहीं है? शिव बाबा को तो निमित्त नहीं कहा जाएगा। निमित्त माने साकार या निराकार? साकार। तो जब ऐसी आत्माओं की संख्या बढ़ रही है तो उनके संग का रंग शंकर की आत्मा को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? वो सुप्रीम सोल तो नहीं है। मनुष्य आत्मा ही है या भगवान है? मनुष्य आत्मा ही है। बल याद के बल पर देवता बनती है।
इसलिए इस दुनिया के महाविनाश के अंतिम क्षणों तक उसे तीखी से तीखी याद में रहना पड़े। याद और पवित्रता, दोनों का ही पुरुषार्थ है। परंतु उनके पार्ट में ये भी जुड़ा हुआ है। क्या? जो सबको उनकी पहचान में फेल कर देता है। कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ है? है सर्व संबंध तो बाप से है, सुप्रीम सोल बाप से। परंतु सर्व संबंध होते तब हैं जब साकार रथ हो, और उन संबंधों में सबका लगाव नहीं हो सकता। वो तो थोड़ी आत्माएं हैं जो राजयोग सीख करके सर्व संबंधों की रचना लेती हैं। कितनी आत्माएं हैं? 16,108। बाकी तो सब अलग अलग डायनेस्टीज की, अलग अलग धर्मों की, प्रजावर्ग की आत्माएं हैं। उन प्रजावर्ग की आत्माओं को भी कम से कम एक जन्म की मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। तो याद तो उनको भी करना है। वो अंतिम विनाश में याद करने वाली आत्माएं निराकार को याद करने में एक्सपर्ट होती हैं, या साकार के निराकारी स्टेज को याद करने में एक्सपर्ट बनती हैं। साकार में निराकार तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही याद करते हैं। वो प्रवृत्ति मार्ग वाले तो 33 करोड़ देवताएं हैं, बाकी जो है निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो तो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उनकी बुद्धि में किसकी याद छपती है? वो सर्वव्यापी बिंदु को देखते हैं। सारी दुनिया में ये ज्ञान फैल जाता है, भगवान सर्वव्यापी है। तो उसकी शूटिंग क्या होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, और सारी दुनिया ब्राह्मण बनेगी। याद मन में होता है। किसकी याद? निराकार की या साकार की?
सहज याद किसकी आती है? साकार की सहज याद आती है। ऐसे भी परंपरा रही है कि राजाओं को प्रजावर्ग की आत्माएं भगवान के रूप में देखने की आदि रही है। तब उनके डायरेक्शंस को फॉलो करते रहे हैं। तो ये याद की ही महिमा है। वो पार्ट है नीचे और ऊपर उतरने का, चढ़ने का, घड़ी घड़ी नीचे, घड़ी घड़ी ऊपर। जिन्न की ड्यूटी मिली हुई है जिन्नात एक होते हैं या अनेक होते हैं? वो नंबरवार होते हैं कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। फरिश्ते भी गाए हुए हैं अनेक धर्मों में, वो भी एक नहीं होते, अनेक होते हैं। मुख्य फरिश्ते का नाम सभी धर्मों में माना जाना हुआ है, जबराइल फरिश्ता। जबरदस्त काम करने वाला, तो क्या जबरदस्त काम करता है? है तो उसे एक ही पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही ले लेता है। याद का पुरुषार्थ है। उस निराकारी स्टेज में जो याद करते हैं वो ही पवित्र बनते हैं, और वो स्टेज याद करने वालों को स्वतः ही आकर्षित करती है। न चाहते हुए भी आकर्षित करती है। और माता जी का कुछ भी नहीं, 2018 में ब्रह्मा बाबा का पढ़ाई खत्म हो जाता है। 2018 में ब्रह्मा बाबा का पढ़ाई खत्म हो जाता है। हाँ जी। और उसका सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। हाँ जी। तो वो जन्म 36 में ही है, वापस जन्म 36 में ही रही। हाँ। अभी बीच में उसकी दर्द है। एक ही शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं? तो सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर जो है वो तो उन आत्माओं में प्रवेश करता है जो और धर्मों की हैं। जो सूर्यवंशी हैं वो तो खुद ही बीज रूप है, उनमें प्रवेश करने की बात नहीं है, उनका साथ निभाने की बात है। वो दोनों आत्माएं सन 36 तक बुद्ध रूपी पेट में साथ रह करके पाठ बजाती है।
पात्र को बोलते हैं वो भी प्रवेश किया है यहाँ पर है, वो भी प्रवेश किए हैं क्या बीज रूप स्टेज में साथ रहता है वो। जब संपन्न बन गया तो साथ ही हो गया या अलग अलग रहा? दोनों का समान पद है या असमान पद है? समान पद हो गया, दोनों भागीदार हैं। अंतिम जन्म में जैसे लौकिक दुनिया में भागीदार थे वैसे ही अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी भागीदार हैं, साथ ही हैं। उनके लिए बोला है तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करोगे, वो बार बार मिल करके एक हो जावेंगे। और रवण कुमार ने अंधे माँ बाप को कंधे पर उठा के यात्रा ले सकते हैं। बाप तो ब्रह्मा बाबा है, अंधे बाप तो ब्रह्मा बाबा माँ को। अरे ब्रह्मा है तो अम्मा नहीं है? तो वो तो प्रवेश साबित होता है क्या? है प्रवेश साबित होता है। और कंधे पर उठाना क्या होता है? जिम्मेवारी, जिम्मेवारी उठाना। मम्मा और बाबा दोनों की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? और यह माता का दूसरा कुछ है, ब्रह्म बाबा जी भी सभी जब काली सेवा के ऊपर बनाया। हाँ स्वामी जी जैसे सोमनाथ मंदिर ठाकुर वाला उसके निमित्त कौन बनाया? राजा विक्रमादित्य, वही तो आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा है क्या? है पायलट सेवा केंद्र बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा को कौन एडवाइस दिया? ब्रह्मा बाबा के मुख से ये बात निकाली गई कि प्रजापिता शब्द ऐड करना चाहिए, ये कौन एडवाइस किया? बस और विष्णु के सदस्य चित्र जो दिखाते हैं वो चित्र में कांटे कांटे रहता है ना, कांटा माने तीर, जैसे तीर होता है उसमें कांटा होता है, तीर में एक कांटा होता है और सुदर्शन चक्र में ढेर के ढेर कांटे हैं। ढेर के ढेर ज्ञान के तीर हैं। दो हजार ट्वेंटी एट तक साढ़े चार हजार आपका प्रवेश करने वाला का पढ़ाई, साढ़े चार हजार लाख माने प्रजावर्ग की आत्माएं 2028 में तैयार हो जाएंगी? नहीं, जन्म लेने वाला दोनों को पढ़ाई करते, प्रजावर्ग की आत्माएं पढ़ाई पढ़ती हैं, वो पढ़ाई पर कैसे भी पढ़ती है, पढ़ाई पढ़ती है फिर साढ़े चार लाख का पढ़ाई करते, फिर साढ़े चार लाख। अरे साढ़े चार लाख पहले तैयार होंगे या पहले राजा वर्ग राज परिवार में आने वाले तैयार होंगे? पहला एक का फिर तो ऐसा खत्म हो जाता है ना। हाँ फिर ये साढ़े चार लाख 48 तक सबका पढ़ाई खत्म हो जाता है ना। 48 तक, हाँ
तमो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो किन की बात बताई? राजयोग सीखने वालों की बात बताई या जो राजयोग सीखते ही नहीं है उनकी बात बताई? सीखने वालों की बात है ये तो ठीक है कि राजाएं तैयार होते हैं तो उनकी प्रजा भी साथ साथ तैयार हो जाती है। राजाएं ही तैयार नहीं होंगे तो प्रजा कैसे तैयार हो जाएगी? और 36 तक कितना आत्मा रहेगी? आखिरी विनाश 5-7 रोज का होगा। जैसे दिवाली पर बच्चे पटाखे छोड़ते रहते हैं रात में, पटाखे छोड़ते छोड़ते थक जाते हैं तो क्या करते हैं? हैं? सारे ही धड़ाके एक साथ कर देते हैं। तो ऐसे ही 5-7 रोज में सारा खेल खलास हो जाएगा। उस समय तक बहुत सी आत्माएं तो अकाले मौत में शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगी, अर्थात भटकती रहेंगी। पृथ्वीवासियों में प्रवेश करती रहेंगी। बाकी जो शरीरधारी रहेंगे वो अंतिम विनाश में हाय हाय करके मर जाएंगे। बाबा के बच्चे तो मौज में रहेंगे, सब आत्मा परम धाम से नीचे आने के बाद शिव बाबा नीचे आते हैं। ऐसे एक सीढ़ी में पॉइंट है, ऐसे होता है क्या? सब आत्मा नीचे आ जाती हैं तब आते हैं? मनुष्य आत्माओं की बात बताई होगी क्योंकि ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है। जो कीड़े मकोड़े जैसे जिंदगी बिताने वाले हैं, आए और आते ही खलास हो गए, जैसे दीपावली में पतंगे रात में जन्म लेते हैं सवेरे को खलास हो जाते हैं, वो थोड़े ही मन का उपयोग करते हैं। उनकी बात नहीं है। और क्या वो
शिव बाप की बात पूछ रहे, शिव बाबा की बात पूछ रहे? शिव बाबा की बात पूछ रहे? शिव बाप तो नीचे उतरने का सवाल ही नहीं, वो तो नीचे आता भी है तो भी ऊंची स्टेज में रहता है, उसको संग का रंग लगता ही नहीं। लगता किसको है? जिस शरीर में मुकर्र रूप से प्रवेश किया उसको संग का रंग लगता है, वो नीचे गिरता है। उसके लिए बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो साकार नीचे उतरेगा या निराकार नीचे उतरेगा? साकार नीचे उतरता है। तो शास्त्रों में दिखाया गया है कि प्रजापिता को भी अहंकार आ गया, शिवो हम, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सबसे ऊंचते ऊंच हूं। तो बकरे का मुख दिखाया गया है। नहीं बाबा, वो माता जी पूछ लेकर है तो नीचे उतरा ना, हरणधाम से नीचे जब शिव आता है उस समय मनुष्यात्मा सब आ गया होगा। 100 साल का संगम है तो 100 साल के संगम में भगवान आता किसके लिए है? पतित से पावन बनाने के लिए, पशु पक्षियों के लिए आता है, कीड़े मकोड़ों के लिए आता है, कण कण को पावन बनाने के लिए आता है या मनुष्यों को पावन बनाने के लिए आता है? तो मनुष्यों को ही देखेगा ना। और है हाँ जी, है वाइब्रेशन से, हाँ है हाँ हाँ, एक ही जन्म में जो जो संगम का वो वाइब्रेशन का बहुत चले जाते हैं। संगम युग है तो ऊंचते ऊंच पावर है, और संगम युग नहीं है तो वो ऊंचते ऊंच पावर भी नहीं है। ऊंचते ऊंच पावरफुल युग कौन सा है? सबसे जास्ती कल्याणकारी युग कौन सा है? संगम युग सबसे जास्ती कल्याणकारी है। तो प्राप्ति भी कौन से युग में ऊंचते ऊंच होनी चाहिए? संगम युग की प्राप्ति भी ऊंचते ऊंच है। वो ऊंचते ऊंच प्राप्ति ऊंचते ऊंचे डायनेस्टी की आत्माओं को ही प्राप्त होती है, सबको नहीं होती है। ये युग का प्रभाव है। तो 2036 तक वो युग है, तब तक वो प्राप्ति है।
फिर प्राप्ति के निमित्त बनने वाली आत्मा ही सृष्टि पर नहीं है तो प्राप्ति कैसे होगी? और इसलिए संगम का यादगार भी पूरा 5000 साल चलता है। हाँ जी, ब्रॉड ड्रामा और उसकी फिर शूटिंग होती है, तो शूटिंग भी तो वैसी होगी जैसा ड्रामा बना हुआ है। और ऐसा ही क्यों रख देंगे? या तो लेंगे नहीं, इस बार दिल्ली गए थे, इस बार दिल्ली गए थे हम। कई बार लोग कटोर में जो देता है खाने के लिए वो रख देता है, सूखा पड़ा रखता है, फिर उसको डस्टबिन में डाल देता है। तो लेते ही गाय के लिए हैं? नहीं यार, हम इसके लिए हम 95 में जो भर्ती किए थे उस टाइम कंपनी में जो मिलता था, आजकल कितना मिल रहा है वो ऐसा क्यों वेस्ट कर रहा है, इसके लिए क्या इसका क्या होता है ऐसा करने से, वही मतलब। जो जगन्नाथ भंडारी की आत्माएं नहीं होंगी अर्थात विश्व कल्याणकारी कैटेगरी की आत्माएं नहीं होंगी, उनका पुरुषार्थ, उनका खान पान, ऊंची विचारधारा का होगा या नीची विचारधारा का होगा? वो तो है ही नीचे, प्रूफ तो आना चाहिए। ये तो छोटा सा यज्ञ है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भंडारे में कितना चावल बनता है भोग में, कितनी भावना से लेते हैं। भक्तों में भी इतनी भावना है, तो जो वारसदार बनने वाले हैं उनमें तो कितनी भावना होनी चाहिए। ये तो सब जानते हैं, कि जगन्नाथ भंडारा ज्यादा मीठा होता है, ज्यादा अच्छा होता है, लुभावना होता है। यह श्रीनाथ भंडारा मीठा होता है, लेकिन भावना अलग है। जगन्नाथ भंडारी की भावना है कि सारे विश्व को पालना देनी है और भीख भी नहीं मांगनी है। तो थोड़े में गुजारा करना पड़े या भीख मांग करके 36 प्रकार के भोग लगाने चाहिए? क्या करना ज्यादा ठीक है? है यहां मांगेंगे तो वहां भी मांगते ही रहना पड़ेगा, वहां भी भिखमंगा बन जाएंगे जन्म जन्मांतर के।
यहाँ मान रखेंगे बाप का, बाप के यज्ञ का, तो वहां भी मान सम्मान पाते रहेंगे। इतना ज्ञान सभी में नहीं होता है। संगम युग में ही क्यों यादगार दिखा है भिखारी भारत का? है भिखारी भारत का यादगार संगम युग में ही दिखा दिया। आपने सीढ़ी को ध्यान से नहीं देखा, सीढ़ी के चित्र में जो भारत भिखमंगा के रूप में दिखाया गया है वो संगम में दिखाया गया है, जहाँ 40 वर्ष का संगम लिखा है, या सीढ़ियों के अंदर दिखाया गया है? कलयुग में दिखाया गया है। संगम में तो हम साहब जाते हैं, जिनकी बुद्धि में है कि हम निकट भविष्य में शाहजादे बनने वाले हैं। भिखमंगे पने की तो बात भी बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। नहीं मतलब वो बात तो शूटिंग संगम में हो जाता है। हाँ, शूटिंग तभी हो जाता है जब शिवो हम कहे के बैठते हैं। अहंकारियों को नीचा देखना पड़ता है या निरहंकारी को नीचे देखना पड़ता है? अहंकारियों को नीचे देखना पड़े। और इधर पैसा नहीं तो अभी आश्रम में पैसा नहीं होगा क्या? सब कुछ इधर छोटा घर में रहे तो वहाँ भी छोटा घर में रहते हैं क्या? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, हर बात में भावना देखी जाती है। किसी के पास भल घर छोटा है, एक कमरा है छोटा सा, उस छोटे से कमरे में ही कोई गीता पाठशाला खोल देता है, लोगों को वेलकम करता है गीता पाठशाला में, तो उसका दिल बड़ा है या छोटा है? मुरली में तो बाबा कहते हैं तुम्हारा छोटा घर भी मेरे लिए बहुत बड़ा घर है। उस छोटे से घर में ही खाना बनाना, सफाई करना, क्लास लगाना और रात को सो जाना, सिंध हैदराबाद में जब यज्ञ शुरुआत में हुआ था चालू, तो मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था, ऐसे मुरली में बताया। तो ऐसे नहीं है कि जो यहाँ गरीब होंगे वो वहां भी गरीब हो जाएंगे। यहाँ जिनका छोटा घर है वहां भी छोटा घर हो जाएगा। भावना देखी जाती है। कपड़ा भी है? कपड़ा तो बाबा कहते हैं 8 चकत्तियों वाला कपड़ा पहनो, आगे चल करके विनाश होगा तो ये कपड़े के कारखाने रह जाएंगे।
रह जाएंगे, फिर इन्हीं कपड़ों में चकत्तियां लगानी पड़ेंगी कि नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे कि नंगे लगाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं अभी से प्रैक्टिस डाल लो। कहीं आगे चल के ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाए तो भीख न मांगनी पड़े। मान मर्तव्य को कहीं चोट न पहुंचे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए। सादा जीवन, उच्च विचार। हमारा खान पान भी सादा, हमारा पहनना ओढ़ना भी सादा, और हमारा मकान रहन सहन भी सादा होना चाहिए। और बाबा रामदेव आज टीवी चैनल में है, बाबा रामदेव टीवी चैनल में रूहानी के लिए बहुत अच्छा योगासन दिखाई देता है। रूहानी के लिए, रूहानी तंदुरुस्ती के लिए, रूहानी तंदुरुस्ती। अरे चिस्मारी सॉरी सॉरी, आते खिचड़ी बना देते हैं। उनसे मिलते जुलते रहते कि नहीं, फॉलो कर सकते मैं? अरे स्वामी रामदेव से मिलना जुलना होता है कि नहीं? मिलना नहीं, टीवी में देखा। टीवी में देखा, क्या के टीवी में आता है? फाइव टू सेवन ओ क्लॉक अर्ली मॉर्निंग, बहुत एक्टिव होता है। उनको चिट्ठी तो डाल के देखो। शरीर वृक्ष है और आत्मा बीज है। बीज को पानी देने से मनुष्य सृष्टि का परिवर्तन होगा या वृक्ष की टहनियों को, पत्तों को, फूलों को और फलों को पानी देने से सृष्टि का उद्धार हो जाएगा? ये शरीर आत्मा रूपी बीज का पेड़ है। ये संकल्प इसकी जड़ें हैं। ये कोई नई बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन और प्राणायाम करने की विधि 2500 साल से मनुष्यों के द्वारा बताई जाती रही। इससे आत्मा का कल्याण नहीं हुआ है, और जब आत्मा का कल्याण नहीं होता है, बीज का परिष्कार नहीं होता है, तो पौधा या पेड़ का परिष्कार नहीं हो सकता। शरीर टेढ़े मेढ़े होते जा रहे हैं, आंखें अंदर घुसी जा रही हैं, चेहरे काले होते जा रहे हैं, चमड़ी की शोभा बिगड़ती जा रही है, शक्ति छीण होती जा रही है,
ये आसन और प्राणायाम करते करते एवरेज आयु घटी है या बढ़ी है? चिट्ठी डाल के पूछो। कम से कम 60 साल था, अभी 30 साल हो गया। क्या बोला? हाँ, द्वापर युग में एवरेज एज ज्यादा थी और अभी तो एवरेज एज कितनी घट गई है। ये रसिया के लोग जो लंबे चौड़े स्वस्थ होते हैं, 100 साल से ऊपर आयु उनकी चली जाती है, वो आसन प्राणायाम लगाते हैं क्या? लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। ये बात भी उनसे पूछो। उन्होंने प्रेजेंट किया, ब्राह्मण ब्राह्मण ही दुनियावी हिसाब से भी हैं और ब्राह्मण ब्राह्मणी और कुरियों के भी हैं। 9 कुरियां हैं ब्राह्मणों की, बाहर की दुनिया में भी 9 कुरियां मानी जाती है। बेसिक ब्राह्मणों में भी 9 कुरियों में से 8 कुरियों के ब्राह्मण वहां देखे जाते हैं। अव्वल नंबर कुरी के जो ब्राह्मण हैं बेसिक में, वो टूट टूट करके इधर आ रहे हैं। और जो यहां आ रहे हैं उनमें भी छटनी हो रही है। यहां 10 कुरियों के ब्राह्मण मौजूद हैं बीज रूप में। बाहर की दुनिया में कहते हैं सिर्फ कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, 500 साल पहले तुलसीदास ने लिख रखा है कि सब शूद्र हैं, बाहर की दुनिया में कोई ब्राह्मण नहीं है। वै वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो गए। तो ब्राह्मणों की कही जाने वाली 3 दुनिया है, बाहर की दुनिया, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया। वहां 8 कुरियों के ब्राह्मण हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण जो सूर्यवंशी ब्राह्मण है वो वहां नहीं टिक पाते। टूट टूट करके एडवांस में आ रहे हैं। और अंत तक आते रहेंगे।
यहाँ एडवांस में बीज रूप स्टेज में 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं। जो अभी मिक्सअप हुए पड़े हैं, निश्चय बुद्धि और अनिश्चय बुद्धि के आधार पर डिक्लेयर होते जा रहे हैं। आदि से अंत तक परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा जो निश्चय बुद्धि हो करके रहेंगे वो ही सूर्यवंशी साबित होंगे। बाकी अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जावेंगे। नीची कुरियों में जाकर के पद पावेंगे। और चंद्रमंडल में, चंद्रग्रह में 3 लाख के लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड साइट्स, रियल एस्टेट चलता है, ऐसा बोलता है। क्या हुआ? 3 लाख लोग रजिस्टर कर दिया फ्लैट्स चंद्रमंडल में, ऐसा बोलता है टीवी में। ये क्या है? कौन बोल रहा है? 3 लाख टीवी में ऐसा आता है बाबा, टीवी में। दुनिया में से 3 लाख लोगों ने चंद्रमा पर प्लाट खरीद लिया। वो वहां के प्लाट की बात कम है, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों ने जरूर ब्रह्मा बाबा की डायनेस्टी में अपनी स्टेज को स्थिर कर लिया है, पक्का कर लिया है कि ब्रह्मा बाबा की डायनेस्टी में हमारी ये स्टेज होगी। और उसमें सूर्य ग्रह ना भूमि ग्रह का नजदीक आता है, सूर्य भी डिस्ट्रॉय का करेगा बाद में, ऐसा बोलना है क्या? बाद में क्या हुआ? नजदीक आता है भू ग्रह का, भूमि का नजदीक आता है सूर्य, बाद में सब पानी समुद्रों का पानी सुखा जाता है, ऐसा बोलता है। सूर्य भी खूब टीवी देखते हो बैठ के? अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ज्ञान ले रहे हो। ओम शांति।